एक है ना, जो अनचाहे बाल होते हैं फेशियल हेयर, उसको रिमूव करने में तो हेल्प करेगा ही। चेहरे का रंग निखारेगा, स्किन को टाइट करेगा, पिंपल्स को दूर करेगा, पिंपल्स के जो दाग धब्बे हैं वो दूर करेगा। आप 7 दिन लगातार आजमा के देख लीजिए इसको, क्या जाता है। आपके घर में तो सारी चीजें अवेलेबल है ना। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप। मैं हूं माही और स्वागत करती हूं मेरे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स विद माही में। आज की वीडियो है 7 डे स्किन केयर चैलेंज। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है एक फेस पैक, जो कि अगर आप 7 दिन के लिए लगातार अपने चेहरे पर लगा लेते हैं तो आपकी स्किन की जो आपकी जो स्किन केयर का गेम है ये पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा। और ये प्रॉपर DIY है, आपके किचन में ही ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है मैंने। और ये जो वीडियो सजेशन है ये ऋचा गुप्ता जी का था, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक एक चीज़ मैंने बहुत बारीकी से बताई है, क्या फ़ायदे हैं इसके और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किन के ऊपर इतना अच्छा ग्लो आता है चेहरे के, और जो फाइन हेयर होते हैं वो निकल जाते हैं। आपको कोई वैक्स कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं। स्किन टाइट हो जाएगी, जो हमारी ऐसे रिंकल्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं और स्किन हमारी लटकनी स्टार्ट हो जाती है वो बंद हो जाएगी। आपकी उम्र से पहले वो काम नहीं होगा। तो देखिए कितने सारे फायदे हैं। चेहरा चमकेगा, रिंकल्स नहीं पड़ने देगा चेहरे पर आपके, ये फेशियल हेयर रिमूव हो जाएंगे, दाग धब्बे चले जाएंगे, पिंपल्स चले जाएंगे, और क्या क्या गिनवाऊँ आपको। और घर की सिर्फ 3 चीजों से आपको और क्या क्या चाहिए। तो देखिए कितना ही बेस्ट है। जी इसको बनाना कैसे है, ये है बेसन। अब बेसन तो सबके घरों में होता है भाई, चाहे चेहरे पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाए या किचन में इस्तेमाल किया जाए खाना बनाने के लिए। उसके बाद ये है मैदा। मैदा भी सबके यहाँ मोस्टली होता ही है, क्योंकि किचन में इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने के लिए, कई चीज़ों में ये यूज़ किया जाता है। तो आपके किचन में मैदा भी होगा, नहीं होगा तो आप मार्केट से ले सकते हैं, 100, 200, 250 ग्राम या 1 किलो, जितनी भी आपको ज़रूरत हो उतना लेके रख लीजिए। और ये बहुत सस्ता आता है गाइस, बहुत महंगा नहीं आता। थर्ड नंबर पर है ये मसूर की दाल। इसको मैंने पीस के रखा हुआ है अपने पास, हमेशा इसको अपने चेहरे पर इस्तेमाल करती रहती हूँ। मसूर की दाल चेहरे के लिए बहुत अच्छी होती है। खैर, ये तीनों चीज़ें चेहरे के लिए बहुत अच्छी होती हैं। क्या क्या यूज़ेस हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं मैं आगे आपको बताती हूँ, लेकिन पहले आप देख लीजिए इसको बनाना कैसे है। तो यही 3 चीज़ें हैं जो हमारे चेहरे पर जादू की तरह काम करेंगी। बेसन को, मैदा को और मसूर की दाल को आपको बराबर मात्रा में लेना है। आप इन तीनों को मिक्स करके अच्छे से एक कांच के कंटेनर में या प्लास्टिक के एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए, और उसको आप 1 महीने तक रखेंगे, 2 महीने तक रखेंगे, ख़राब नहीं होगा। और अपनी यूज़ के हिसाब से आप उसको जितना भी आपको एक दिन में चाहिए होता है, 1 चम्मच 2 चम्मच, उतना आप डेली यूज़ कर लीजिए। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप बना करके रख लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, डेली डेली आपको मिक्स नहीं करना पड़ेगा और इजी रहेगा यूज़ करने के लिए। सबसे मेन चीज़ यही होती है कि इजी जो चीज़ होती है हम उसी के ऊपर जाते हैं। अब जैसे ये फेस पैक है, इसमें घर की ही तीनों चीज़ें यूज़ की हैं, तो ये भी आप बड़े आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मिक्स करके रख लेंगे तो आप फिर डेली यूज़ करते रहेंगे। तो बस इसको इस तरीके से मिक्स करके रख लीजिए। अब इसको मैं लगाने वाली हूँ अपने फेस पर, तो मैं इसमें से थोड़ा सा ले लूँगी एंड उसके बाद से घोल के पानी में ही घोलूँगी और अपने चेहरे पर लगा लूँगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको अप्लाई करके। तो ये देखिए पानी में मैंने इसको घोल लिया है। और घोलने से पहले इसको एक बात का ध्यान रखना है आपको, आप जो पानी पीते हैं वही पानी का इस्तेमाल करना है आपने जिस फेस पैक बनाने के लिए। मुंबई में नल उसका टैप वाटर आता है तो हम उससे बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, लेकिन हम वो पीते नहीं हैं, हम पीते हैं फिल्टर करके। तो अगर आप फिल्टर वाला पानी पीते हैं तो वही पानी किसी भी फेस पैक में अप्लाई डालिए। और अगर कोशिश कीजिए अगर आप वही फिल्टर के पानी से आप अपना चेहरा भी धो सकते हैं डेली बेसिस पे तो बहुत अच्छा होगा। सिर्फ पानी की वजह से भी चेहरे की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मेरे साथ पहले ऐसा ही होता था, जब मैं बहरीन में बिल्कुल नई नई आई थी तो मुझे यहाँ का पानी सूट नहीं कर रहा था और बहुत सारे पिंपल्स और बहुत सारे स्किन की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई थी। अभी मैं क्या करती हूँ, अभी जो मैं पानी पीती हूँ फिल्टर वाला, सिर्फ चेहरा उससे धोती हूँ, बाकी का जो बॉडी है नहाती हूँ तो नॉर्मल पानी से ही नहाती हूँ, जिससे जो टैप वाटर आता है, जो टैंकी का पानी आता है, बट चेहरा वॉश करने के लिए मैं फिल्टर वाला पानी यूज करती हूँ। तो आप एक बार पानी चेंज करके देखिए अगर आपके चेहरे में कुछ परेशानी होती है तो। हो सकता है आपको कोई स्किन केयर करने की जरूरत ना पड़े, कुछ भी चेंज करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ पानी चेंज करने की वजह से ही आपके चेहरे की रंगत जो है वो चेंज हो जाएगी। एक बार ट्राई करके देखिए 2-4 दिन के लिए, आपको फर्क अगर लगे तो ठीक है कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं तो फिर आप अपना नॉर्मल पानी यूज कर लीजिएगा। चलिए अब इसको अप्लाई कर लेते हैं।
एंड ये जो फेस पैक है ये बहुत ही कमाल का है और ये गाढ़ा ही रहेगा, इसको बहुत पतला नहीं खोलना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अप्लाई कर रही हूँ तो थोड़ा सा थिक ही है ये, बहुत पतला नहीं है। ये चेहरे के ना जो अनचाहे बाल होते हैं फेशियल हेयर, उसको रिमूव करने में तो हेल्प करेगा ही, चेहरे का रंग निखारेगा, स्किन को टाइट करेगा, पिंपल्स को दूर करेगा, पिंपल्स के जो दाग धब्बे हैं वो दूर करेगा। जो मैदा है ना, मैदा मेन उसी लिए इसमें यूज किया है कि जो चेहरे पर बाल हो जाते हैं, हमारे फेशियल हेयर हो जाते हैं, उसको ये निकालने में हेल्प करेगा। आप 7 दिन लगातार आजमा के देख लीजिए इसको, क्या जाता है, आपके घर में तो सारी चीजें अवेलेबल है ना, और कितना महंगा है, कुछ महंगा नहीं है। एक हफ्ते में आपके मुश्किल से 20 से 30 रुपए लगेंगे, उतना तो आप वैसे ही लगा देते हैं अपने फेस पर, कोई सीरम परचेज करके, कोई क्रीम परचेज करके, कोई फेस पैक परचेज करके मार्केट वाला, है ना। तो आप एक बार ये ट्राई करके देख लीजिए, 7 दिनों के लिए सिर्फ बना करके देख लीजिए और 7 दिन तक ही अप्लाई करके देखिए। अगर आपको थोड़ा सा भी फर्क ना नजर आए तो मत अप्लाई कीजिएगा, और अगर आता है तो फिर कंटिन्यू कर लीजिएगा। गेम चेंजर है ये, आपकी स्किन की जो गेम है ना वो चेंज हो जाएगी। आप ट्राई करके देखिए एक बार, तो बस इसको अप्लाई कर लूंगी मैं। अब इसको मैंने छोड़ देना है 15 मिनट्स के लिए, और 15 मिनट्स तक ये अपना काम कर लेगा। बस 15, ये देखिए सारा मैंने लगा लिया है। 15 मिनट तक इसको अपने चेहरे पर छोड़ने के बाद हम इसको वॉश कर देंगे, और वॉश करने के बाद आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी मैं। 15 मिनट के बाद ना ये प्रॉपर सूख जाता है, मैंने बहुत थिक लेयर लगाई है एंड ये देखिए कितना अच्छे से सूख गया है। तो इसको रिमूव करने के लिए ना सीधा ऐसे पानी नहीं लगाना है, आपको अपने हाथों को ऐसे गीला कर लेना है और इस तरीके से हल्का हल्का रब करना है। ध्यान रखिए इसको सुखाना पूरा अच्छे से है, और उसके बाद से हमें धीरे धीरे रब करना है। इसका फायदा पता क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि जो छोटे मोटे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं ना हमें इस एरिया में वो सब ऐसे ही निकल जाएंगे। तो इसे हल्का हल्का इस तरीके से गीला करके रब कीजिए। अच्छा, ब्लैक हेड और व्हाइट हेड तो निकलेंगे ही, जो हमारे फेशियल हेयर है ना वो भी निकल जाएंगे। जो सबसे बारीक, जो एकदम फाइन हेयर नहीं होते, जो फेशियल हेयर एकदम पतले पतले होते हैं, वो वाले भी निकल जाएंगे इससे। तो इसको पहले हल्का सा इस तरीके से गीला करके रब करना स्टार्ट कर दीजिए। अब ये पूरे फेस पर हो गया है गीला, अब हम इसको अच्छे से साफ कर देंगे। और अब मैं आपको अपना फेस वॉश करके दिखाती हूँ। अब मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है एंड रिजल्ट आप देख सकते हैं। और आज जो मेरा फेस पैक मैंने ये लगाया है ना, ये 7 डे था, टोटल 7 डे था। इसको मैं लास्ट 1 वीक से यूज कर रही थी और रिजल्ट देख लीजिए, विजुअल है आपके सामने है। स्किन के ऊपर इतना अच्छा ग्लो आता है चेहरे के, और जो फाइन हेयर होते हैं वो निकल जाते हैं। आपको कोई वैक्स कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं। स्किन टाइट हो जाएगी, जो हमारी ऐसे रिंकल्स बननी स्टार्ट हो जाती है और स्किन हमारी लटकनी स्टार्ट हो जाती है वो बंद हो जाएगी। आपकी उम्र से पहले वो काम नहीं होगा। तो देखिए कितने सारे फायदे हैं, चेहरा चमकेगा, रिंकल्स नहीं पड़ने देगा चेहरे पर आपके, ये फेशियल हेयर रिमूव हो जाएंगे, दाग धब्बे चले जाएंगे, पिंपल्स चले जाएंगे, और क्या क्या गिनवाऊँ आपको। और घर की सिर्फ 3 चीज़ों से आपको और क्या क्या चाहिए, तो देखिए कितना ही बेस्ट है। अपना फेस जो है टॉवल से ड्राई करूंगी। चेहरे पर ना हमेशा आपको टॉवल को इस तरीके से रब नहीं करना है कभी भी, हमेशा इस तरीके से करना है हल्का हल्का। ग्लो देख सकते हैं आप मेरे फेस पर, ब्राइटनेस देख सकते हैं, कलर मेरा कितना चेंज हुआ है वो आप लोग देख ही रहे हैं। मेरी क्या करके 1 साल 1-2 साल पुरानी वाली वीडियोस देख लीजिए, आपको जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं ना, आपको मेरा रंग पता चल जाएगा कि कैसा मेरा कलर था, मेरा स्किन जो टोन था और ब्लैक था थोड़ा सा। फर्क पड़ता है यार, हम जितना मर्जी कह लें फर्क पड़ता है, जब हम ध्यान रखते हैं अपनी स्किन का अपना, तो बहुत फर्क पड़ता है। चलिए ट्राई जरूर कीजिएगा आप लोग भी ये फेस पैक, और मेरे साथ अपने रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा। यार मुझे बहुत बुरा लगता है आप लोग कोई भी रिजल्ट शेयर नहीं करता है,
कोई तो रिजल्ट शेयर करना स्टार्ट करो यार, प्लीज शेयर किया कीजिए रिजल्ट कि आपके चेहरे पर किसी फेस पैक ने या आपके बालों पर किसी हेयर पैक ने कुछ अच्छा असर दिखाया हो जो मैंने आपको बताया हो। अगर आप लोग कमेंट कर देंगे एक तो क्या चला जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर कर देंगे तो प्लीज ट्राई कीजिए अगर आप शेयर कर सकते हैं तो। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी, आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।